शहर में देसी कट्टा लेकर घूम रहे दो व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली। इस आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा कीमत 15,000, चोरी की मोटरसाइकिल कीमत 24,000 जब्त की है। सूत्रों से मिली जानकारी पर पुलिस ने नांदगांव में जाल बिछाकर कार्रवाई की, जिसमें सोनू अंबादास सोनटक के उम्र 21 वर्ष निवासी बुद्ध विहार के पास घाट सावली तहसील हिंगनघाट जिला वर्धा और सूरज संजय राव करपे उम्र 23 वर्ष निवासी शास्त्रीवाड़ हिंगनघाट ये देसी कट्टा बेचने के लिए शहर की ओर आ रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस को सूत्रों से मिली। पुलिस के डीबी दल ने हवलदार विवेक बंसोड़ और दल ने उन्हें हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें देसी कट्टा डिस्कवर मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी सोनू अंबादास सोनटक के पास से शुरू स्थिति में देसी बनावटी का कट्टा मिला है, जिसकी कीमत 15,000 रुपए है। इसके साथ ही वाहन से वो आ रहे थे, वो वाहन भी जब्त किया गया है। हिंगनघाट पुलिस द्वारा विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने कुल 39,000 रुपयों का मद्देमाल जब्त किया है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। बसंत शुक्ला पुलिस उपनिरीक्षक पुलिस स्टेशन हिंगनघाट ये इस मामले की जांच कर रहे हैं। उक्त कार्रवाई प्रशांत होकर पुलिस अधीक्षक वर्धा यशवंत सोरंग के अपर पुलिस अधीक्षक वर्धा दिनेश कदम उपविभागीय पुलिस अधिकारी हिंगनघाट उपविभाग के मार्गदर्शन में थानेदार के एम पुनकर पुलिस निरीक्षक पुलिस स्टेशन हिंगनघाट इनके मार्गदर्शन में वसंत शुक्ला पुलिस उपनिरीक्षक गुन्ने प्रगटीकरण पथक विवेक बंसोड़ पंकज घोड़े प्रशांत वाटखेड़े उमेश बेले और आशीष गेड़ाम कर रहे हैं। हिंगनघाट से कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि एनोरकर BCN न्यूज़।